is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. आज हम अपने किचन में बिना जेलेटिन के यूज किए ऑरेंज जेली बनाने जा रहे हैं. बहुत इजी है इसे बनाना और बहुत जल्द बन जाती है. तो चलिए बहुत देर ना करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी. आज हम बच्चों के लिए ऑल टाइम फेवरेट ऑरेंज जेली बनाने जा रहे हैं. और ऑरेंज जेली बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 ऑरेंजेस लिए हैं और इसको पहले हम कट करेंगे. कोई भी इस तरीके का बर्तन लेकर उसके ऊपर छन्नी रखनी है और इन ऑरेंजेस को हम सेंटर में से काट लेंगे. इसके हमने छिलके फेंकने नहीं है और उसको भी हम यूज करेंगे. इस तरीके से सभी ऑरेंजेस को हम काट लेंगे. हमने सभी ऑरेंजेस को काट लिया है. अभी एक एक ऑरेंज को निकालकर छन्नी के ऊपर इस तरीके से जूस निकाल लेंगे. सभी ऑरेंजेस का हमने जूस निकाल लेना है. इस तरीके से छन्नी में निकालने से बीज ऊपर रह जाएंगे और हमें बीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इस तरीके से दबाते हुए हमें पूरा जूस निकाल लेना है ऑरेंजेस का. तो ये हमने जूस निकाल लिया है सभी ऑरेंजेस का और इसको अच्छे से हम स्ट्रेन कर लेंगे. अभी इन छिलकों को छोटे छोटे पीसेस में हमें काट लेना है और इनको अभी हम यूज करेंगे और इनको फेंकना नहीं है क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो जेली में बहुत अच्छा आता है. तो ये हमने सभी ऑरेंजेस के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अभी हम गैस ऑन करेंगे. ये हमने 2 गिलास पानी इसमें ऐड किया है और इसको बॉयल होने देंगे. और बॉयल होने के बाद इसके अंदर हम जो छिलके काट के रखे हैं वो ऐड करेंगे ताकि जितना भी फ्लेवर है उसका पानी के अंदर आ जाए. तो यहाँ पर हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो गया है. अभी इसके अंदर हम छिलके ऐड करेंगे. यहाँ हमने छिलकों को पानी में ऐड कर दिया है और इसको हमें 2 से 3 मिनट तक बॉयल होने देना है ताकि जितना भी फ्लेवर इसका है वो पानी में चला जाए. हमने 2 मिनट तक छिलकों को बॉयल कर दिया है और अभी हम गैस को ऑफ करेंगे और इसको स्ट्रेन करेंगे. तो यहाँ हमने स्ट्रेनर की मदद से छिलकों को स्ट्रेन कर लिया है. तो ये हमारा फ्लेवर्ड पानी बर्तन में आ गया है. तो अभी हम फिर इसको गैस के ऊपर रखेंगे. हमने ये फ्लेवर्ड पानी को फिर से गैस के ऊपर रखा है. हम जो जूस निकाला है वो ऐड करेंगे और ये हमारा जूस भी 1.5 गिलास है. 1 गिलास डाला और 1/2 गिलास जूस का ऐड कर दिया. जूस हमने ऐड किया है और ये 1/2 कप हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं. टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको चीनी ऐड करनी है. अगर खट्टे हैं संतरे तो ज्यादा थोड़ी ऐड कर सकते हो. और साथ में ये 2 बड़े चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर का लिया है. इसमें हल्का सा पानी ऐड करके इसको डाइल्यूट करके डालेंगे. ये हमारा मिक्सचर बॉयल होना शुरू हो गया है. अभी इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और लगातार हिलाते रहेंगे. इसको हमें छोड़ना नहीं है, कॉन्टिन्यूसली इसी तरीके से हिलाते रहना है. लेमन फूड कलर लिया है और हल्का सा चुटकी भर इसमें ऐड करेंगे ताकि कलर बहुत अच्छा आ जाए. और अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा लुक आता है थोड़ा सा अगर हम कलर ऐड कर देते हैं तो. तो ये हमने लगातार हिलाते रहना है जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए. तो इस तरीके से हमें गाढ़ा होने तक पकाना है इसे, जब तक कि ये बड़े बड़े बबल्स ना आने शुरू हो जाए. तो ये देखिए हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है और इस तरीके से ये एकदम से नहीं गिरता, धीरे धीरे करके ये गिर रहा है.
तो इतना ही चाहिए हमें मिक्सचर, इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए, इस तरीके से ये गाढ़ा चाहिए हमें। तो अभी हम गैस को ऑफ करेंगे और इसको सेट करने के लिए रखेंगे। ये बाउल लेंगे और ये बाउल के अंदर हम इसको ग्रीस करेंगे। ये हमने बटर लिया है, किसी भी ऑयल से या बटर से या फिर देसी घी से ग्रीस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको बटर से ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर अभी हम ऑरेंज जेली का मिक्सचर डाल, अभी इसमें ऑरेंज जेली का मिक्सचर डालेंगे। ये हमने बटर से इसको ग्रीस कर लिया है और अभी हम इसके अंदर ऑरेंज जेली का मिक्सचर डालकर सेट करेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है जेली का। ये हमने ग्रीस बाउल में जेली का मिक्सचर डाल दिया है और इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर से एयर जो है वो निकल जाए। इसको अभी हम सेट करने के लिए रख देंगे। इसको रूम टेम्परेचर पे भी आप सेट कर सकते हो या फ्रिज के अंदर भी, अगर जल्दी हो तो सेट किया जा सकता है। और सेट होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो इस जेली को हमने 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रखा है और ये सेट हो चुकी है। ये देखिए, इसने अपनी साइड्स जो है वो बिल्कुल छोड़ दी है। और कोई भी नाइफ लेकर इसको हमें हल्का हल्का इस तरीके से अलग करना है। प्लेट इसके ऊपर रखकर हम इसको उल्टा करेंगे और ये देखिए, ये अपने आप प्लेट के अंदर आ जाएगी जेली। और ये बहुत ही अच्छी जेली बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, ये डेसिकेटेड कोकोनट है, इससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये मैं आपको कट करके बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी जेली रेडी हो गई है। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रॉपर जेली रेडी हो गई है बिना जिलेटिन के। कॉर्नफ्लोर का यूज करके हमने ये जेली को बना दिया है। ये एकदम से टैंगी और फ्लेवरफुल जेली बनी है। ये जेली को हमने पीसेस में कर दिया है, ये देखिए। और ये पीसेस के ऊपर हम डेसिकेटेड कोकोनट से इसको कोट कर देंगे, जिससे इसका और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। सभी पीसेस को हम डेसिकेटेड कोकोनट पे रैप कर देंगे इस तरीके से कुछ। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ्लेवरफुल जेली बनकर तैयार हो गई है। देखिए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रॉपर बनी है जेली। मुझे उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।